नमस्कार दोस्तों, मैं राम सूरत मौर्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पिछली दो वीडियो चल रही हैं, उस दो वीडियो के ऊपर सफदरजंग हमदाई गुड़गांव की तरफ से कुछ कमेंट किए हैं उन्होंने उस वीडियो के ऊपर, और उसी का जवाब देने के लिए आज मैं फिर दोबारा से कैमरे के सामने आया हूँ। राम सूरत जी, ऐसा है कि उन्होंने पहली जो चीज़ रखी है वो रखी है कि आपकी गाड़ी में जो CNG लगी थी, CNG किट, वो किट आपने कहीं बाहर से लगवाई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि CNG हमने अपने तरफ से बाहर से नहीं लगवाई थी। मुझे कमर्शियल पर्पज के लिए गाड़ी यूज़ करनी थी और जिसमें कि CNG अनिवार्य है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो करानी थी, तो इसके लिए हमने उनसे पूछा, हमने उनसे बात की, तो वो बोले आपको उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको करा करके और फिटिंग करा करके आपको दे देंगे। यानी कहने का मतलब आपका ये, मैंने गाड़ी डिलीवरी ली तो मैंने उसमें कुछ नहीं कराया और मुझे बिल्कुल बकायदे CNG फिटेड सब कुछ शोरूम के थ्रू ही डिलीवर की गई गाड़ी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने CNG खुद से फिट नहीं कराई थी? नहीं, CNG जो फिट कराई गई थी वो सफदरजंग हुंडई द्वारा कराई गई थी। सफदरजंग हुंडई शोरूम के द्वारा या कैसे कराई गई वो हमें करा के दी। आपको गाड़ी फिट CNG किट फिट करके दी थी? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, ठीक है। तो दूसरी इसमें ये क्या कहते हैं कि एक तो आपका CNG वाला इशू हो गया, उस पर आपने बता ही दिया हमने जी, कि आपकी जो कार की वारंटी है वो अब ख़त्म हो चुकी है और ये आपकी कवर्ड रही थी और आपकी गाड़ी के बहुत बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। वारंटी के ऊपर जो है वो पहले आप बता दीजिए, वो एक्सीडेंट का हम बात में बात करेंगे। जी, वारंटी के ऊपर हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि कंपनी की तरफ से 40-50 हज़ार किलोमीटर की वारंटी होती है और अब ये कहते हैं कि गाड़ी आपकी 71,000 किलोमीटर चल चुकी है और वारंटी पीरियड में हम इनसे बार बार कहते रहे और इन्हीं के यहाँ जाते रहे, सर्विस सेंटर पर कहते रहे, लेकिन इन्होंने वारंटी पीरियड में उसको सीरियसली ना ले करके बार बार सर्विस एडवाइजर चेंज करते रहे और हमारे सामान को ठीक नहीं कर पाए, दिक्कतें हमें आती रहीं। 71,000 किलोमीटर चलने के पीछे कारण ये था कि हमारे सामने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत और हर तीसरे दिन हम शोरूम के सामने खड़े हो जाते, पूरा दिन बेकार हो जाता। अगर हफ्ते में 10 दिन शोरूम के, महीने में 10 दिन शोरूम के चक्कर काटते रहे, थी धक्का प्लेट जैसे भी चल रही थी गाड़ी को, हम दिन रात करके मेहनत कर रहे थे। अगर सुबह को शोरूम में खड़े रहते तो रात को अपना रोजी रोटी के लिए निकल पड़ते थे और जैसे भी चलती थी गाड़ी धक्का प्लेट चलती थी या कैसे, और हम तीसरे दिन शोरूम में खड़े रह के भी अपनी खर्चा और किस्त नहीं दे सकते थे उस गाड़ी का। जब तक गाड़ी चली है, कैसे भी चली है, हम उसको धक्का प्लेट ही चलाते रहे, मजबूरी में चलाते रहे। तो उस दौरान क्या आप कितने बार लगभग इनके पास गए थे? 25 से 30 बार इनके पास दिखा चुके हैं वारंटी के दौरान पीरियड में, और 15 नवंबर को गाड़ी डिलीवर हुई है और करीब दिसंबर महीने में उसी एक समस्या को लेकर के इनके पास गाड़ी जा रही थी रेगुलर। राम सूरत जी, एक्चुअली इन लोगों का जो दूसरी बात जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी के बहुत बार एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, एक्सीडेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि गाड़ी रोड पर चलेगी तो लगेगी, ठुकेगी और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। पहली बारी वन बाय वन करके बताइए, जितनी बार भी आपकी गाड़ी लगी है जी, क्या उसमें किसी तरह का कोई इंजन डैमेज हुआ था? क्या उसमें किसी तरह का कोई मेजर डैमेज हुआ था? नहीं, मेजर डैमेज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें डैमेजेस आई थी, जैसे डिक्की का ढक्कन हो गया और पीछे का बम्पर हो गया, पीछे की लाइट्स हो गई और आगे का ग्रिल, फर्स्ट बार में ये डैमेज हुआ था। और जब सेकंड बार हुआ था तो साइड से बस वाले ने हिट किया था, जो कि पैनल फिल्टर क्या है वो साइड का, वो दब गया था। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से लगी थी, राइट हैंड? लेफ्ट हैंड साइड से बस वाले ने दबा दिया था, जो फेंडर लाइन होती है, जो फेंडर लाइन जो पैनल होता है इनका, वो दब गया था। और तीसरी बार में क्या हुआ, चलते चलते हम रोड पे चल रहे थे तो एक बजड़ी से भरा हुआ ट्रक जा रहा था और गड्ढे में गया उसका ट्रक गया और उससे एक बजड़ी उछल के आकर के मेरे शीशे पे लग गई थी, जिससे हमारा शीशा, मेन शीशा टूट गया था और उसको रिपेयर कराया। क्या इसमें किसी तरह का कोई इंजन डैमेज भी हुआ था इन तीन वाक्यों में? जी, तीन वाक्यों में इंजन डैमेज का कोई केसेस नहीं आया था, कुछ नहीं खराब हुआ था इंजन के मामले में, सिर्फ बॉडी में कुछ, बॉडी में जो कि हल्का, हम आपकी गाड़ी में जनरली कभी जो हम आप, मुझे लगता है क्लेम के थ्रू इंश्योरेंस से हम वो बिल्कुल ओके करा दिए थे, गाड़ी को ठीक करा चुके, गाड़ी आपने ठीक करा दी थी। हाँ। और इसमें किसी तरह का कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था? मेजर एक्सीडेंट
एक्सीडेंट कोई नहीं, मेजर एक्सीडेंट नहीं था जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये हमारे व्यूवर्स के साथ भी, जो दर्शक हैं उनके साथ भी होता होगा, कभी किसी की पीछे से डिक्की लग जाती है तो कभी फेंडर लाइन तो कभी कुछ, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरी गाड़ी का भी मैं बताऊँ तो एक दो बार हो चुका है, छोटी छोटी चीज़ें, हम जब इतने क्राउडेड सिटी में रहते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी कि हुंडई ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही है इसमें कि आपका जो उद्देश्य है वो कंपनी को बदनाम करना है, उसके बारे में आप थोड़ा अच्छे तरीके से आप अपने आप को अगर क्लियर करें इस बात के ऊपर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, बदनाम करने की हमारी कोई साजिश नहीं है इसमें, हम तो अपनी एक रोजी रोटी के लिए इसको कर रहे हैं, जो कि हमारी रोजी रोटी थी, बड़ी मुश्किल से हमने उसको बनाया था और हमें वो वापस मिल जाए और हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होने लगे और उससे काम करके हम अपना एक रोजी पे काम करके अपनी जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो अभी आपने मुझे क्या इस वीडियो शूट से पहले आपसे जब बात हो रही थी तो आप कुछ बता रहे थे कि हुंडई सफदरजंग से आपको पहले कॉल आई थी, और ये कब का वाक्य है और आप गए तो क्या क्या हुआ, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, कॉल आया था वीडियो के बाद, लोगों को इतने ज़्यादा व्यूज हुए और देखने के बाद सफदरजंग मोटर हुंडई की तरफ से मुझे कॉल आई और मुझे बुलाया गया। 4 तारीख को कॉल आई है और 5 दिसंबर को हम गए हैं उनके पास और हम वहाँ बात किए हैं, और बात करने के बाद भी हमें लगा कि कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा, लेकिन अच्छा नतीजा नहीं निकल सका और उन्होंने फिर ये कमेंट्स भेज दिए उल्टा। क्या बात हुई थी आपकी वहाँ से और आप किन किन से मिले थे वहाँ? हमें वहाँ बीके सिंह से मुलाकात हुई और ऋषि हांडा जी से मुलाकात हुई थी। मिस्टर ऋषि हांडा और मिस्टर बीके सिंह। ओके, ठीक है, तो इन्होंने क्या कोई अश्योरेंस दिया आपको मदद के लिए, क्या कोई बात की? नहीं, मदद के लिए खाली इन्होंने भरोसा दिलाया और जो हमसे इन्होंने पूछा उसके बारे में इन्होंने ये कहा कि हम ये बात आपके ऊपर लेवल पे करते हैं और जैसा भी होगा फिर हम आपको बताते हैं। ये कितने तारीख की बात है? ये 5 दिसंबर की बात है। 5 दिसंबर की बात है और ये जो कमेंट आया है वो कल की डेट में आया है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि आपको अब वहाँ से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऐसा लगता है कमेंट के हिसाब से हमें मदद की उम्मीद कम नज़र आ रही है, परेशानी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि अदरवाइज अगर उनको कुछ भी ऐसा होता, आप मदद करने का उद्देश्य होता तो इस तरह का कमेंट सफदरजंग हुंडई की तरफ से एटलीस्ट नहीं आता। वो ये ज़रूर बोल सकते थे कि हाँ हम आपकी यथासंभव या जो भी आपकी ऐसा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ तो कमेंट आ गया कि आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी है। ये आउट ऑफ वारंटी क्या आज हो गई है? क्या आपने इससे पहले जब आपकी गाड़ी वारंटी में थी तब क्या आप नहीं जाते थे इनके यहाँ? बिल्कुल जाते थे, लेकिन उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, हम इस बात को बार बार कहते रहे लेकिन हमें ठीक क्यों नहीं किया गया। और जब उनको मालूम था गाड़ी एक समस्या के लिए या दो समस्या के लिए बार बार आ रही है तो गाड़ी की बारीकी से जांच क्यों करके वारंटी पीरियड में क्यों नहीं ठीक किया गया? क्या वो वारंटी निकालना चाहते थे इस गाड़ी की लेकर के? और एक कमर्शियल में यूज होती है गाड़ी और मैं एक ड्राइवर था, तो इस नाते से उन्होंने अपना वारंटी पीरियड निकाला, उसका वेट करते रहे कि वारंटी निकल जाए और इस गाड़ी को हम धक्का दे दें, ड्राइवर हमारा क्या करेगा? ठीक है, ये तो बहुत ही बुरी बात है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप चूँकि आप जनता के सामने आए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो व्यूवर्स हैं वो डिसाइड करें कि बेसिकली क्या इसके पीछे हो सकता है। मैं तो चीज़ों को देख रहा हूँ और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि सफदरजंग हुंडई कुछ अच्छा आपके सामने या हुंडई कंपनी से कुछ लोग आगे आएंगे आपकी मदद के लिए, लेकिन ये वही पुरानी बातें हो रही हैं कि गाड़ी वारंटी में अब नहीं है, जब वारंटी में थी तब आपने क्यों कुछ नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर एक व्यक्ति को क्यों अपनी गाड़ी काटनी पड़ी, वो किस लेवल तक उसका मेंटल स्टेट रहा होगा कि उसने खुद की संपत्ति खुद ही नुकसान की, तो इस चीज़ को एक सर, काटने के पीछे मेरा कारण ये बना कि मेरी मजबूरी बनी, मेरे हालात पैदा किए। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को
खत्म करने से पहले कितना मजबूर हुआ होगा, कितना उसको परेशान किया गया होगा, या उसको अंदर से कितनी परेशानी फील हुई होगी जो उन्होंने जब ऐसा कदम उठाया, हमने अपनी ही संपत्ति को बर्बाद करने के लिए हमें क्या शौक थोड़ी में लगा था। अगर हमारी गाड़ी टाइम रहते शुरू वाले ठीक कर देते उस चीज को, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है ऐसी हालत गाड़ी की बनाने की। क्या जो सफदरजंग मुंदई के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको आपकी इस बात की जानकारी थी? जी बिल्कुल, दो लोगों को हमने बताया था, और जैसा कि मुझे ज्यादा पता नहीं था। वारंटी के टर्म में मेरा सवाल वारंटी के टर्म की बात है जी, जब गाड़ी वारंटी में चल रही थी और आप बार बार सफदरजंग मुंदई के चक्कर लगा रहे थे, तो क्या उस दौरान किसी सीनियर ऑफिसर ने आपकी बात नहीं सुनी? जी मिस्टर नवीन और मिस्टर ऋषि हांडा और मिस्टर अतुल शर्मा, इन्होंने आपकी बात सुनी? बात सुनी और करने की कोशिश की, लेकिन संपूर्ण रूप से वो कारगर नहीं साबित हुए, और मुझे वो भी टरकाते रहे, कुछ आज ये चेंज कर रहा हूँ, कल वो कर रहा हूँ। इससे चलते गाड़ी भी हमारी खड़ी रहती थी और हमारा कमाई का भी लॉस होता था, और पैसे भी लगते थे शुरू में, जो कि हमें पेट करके गाड़ी निकालनी पड़ती। वारंटी के टाइम में भी आपको पैसे ढेर सारे देने पड़े? वारंटी के टाइम में भी इन्होंने पैसे लिए हैं कुछ चीजों के, लेबर चार्ज फ्री रखा है। आपने पिछले वीडियो में बोला था कि 70 से 80 हजार रुपए आपने वारंटी के टर्म में इनको पे किया है। जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है। अब जो है हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, जनता क्या सोचती है। आप अभी भी क्या किसी तरह की कोई उम्मीद रखते हैं कि क्या हुंडई कंपनी आपकी बात सुनेगी? इस कमेंट को सुनने के बाद में जो हम उम्मीद लगा रहे हैं हम ना के बराबर कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा कोई इंसानियत वाला बंदा आ जाए सामने हुंडई की तरफ से, बस एक आस और है, नहीं तो हमें तो उनसे ना उम्मीद ही लग रही है, ये उल्टा हमें ही अपने ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऐसा अगली बार नहीं होगा, और आगे भी कोई अगर सवाल आता है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बुलाऊँ और आप उसके ऊपर जो है जी स्टैंड रखें। ठीक है, मेरे को ये कहा गया है कि मैं इस वीडियो को रिमूव कर दूँ, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? सर हम तो नहीं चाहते कि वीडियो को बिना हमारी समस्या दूर हुए, बिना हमारी रोजी रोटी मिले हुए इस वीडियो को डिलीट किया जाए, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। और जिस दिन भी वो हमारी रोजी रोटी या हमारी मदद करने के लिए सामने उनमें से कोई निकल के आते हैं, उनसे हम बात करेंगे और हमारे को पूरा करेंगे, उसके बाद ही हम इस वीडियो को डिलीट करना चाहेंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा कि सफदरजंग मुंदई आपकी कुछ मदद करे। मुझे भी इस वीडियो को रन करने की कोई खुशी नहीं है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा इंसान जिसको कि वाकई में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे या आम लोगों के उसमें जैसे हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो सब अपने लेवल पे भी अगर देखें तो उनको पता लगेगा कि एक इंसान आखिर अपनी गाड़ी का नुकसान क्यों करेगा। और ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पागल हो जाएगा उस तरह से, क्या क्या भुगता है उन्होंने वो चीज़ें आप पर्सनल लेवल पे, क्योंकि कंपनी को बहुत सारी चीज़ों को डील करना होता है। कंपनी के लिए एक इंडिविजुअल जो है वो हमेशा ही एक इंडिविजुअल रहता है। दिक्कत तब होती है जब वो कोई बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे, बहुत बड़े सी जगह पे आके कंपनी के बारे में कुछ कहने लग जाए, तब कंपनी शायद बात सुनती है। देखते हैं इस वीडियो के बाद क्या होता है, हम बाकी सारी चीज़ें व्यूअर्स के ऊपर छोड़ते हैं और हुंडई और सफदरजंग हुंडई के ऊपर छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ कहना चाहते हैं आप फाइनली, तो आप चाहें तो कह सकते हैं। जी धन्यवाद। फाइनली हम यही बोलना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से और सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो कमेंट सफदरजंग ने दिए हैं इसके ऊपर हमें कुछ समझाया जाए और सहायता दी जाए, और जो हमारी रोजी रोटी का सवाल है कोशिश हमारी यही है कि वो हमको मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम इसीलिए ये अपना कदम बढ़ा रखे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए ही हम लड़ रहे हैं।